अपने 9.5 करोड़ जनता के परिवार को प्रणाम करता हूं। एक असाधारण और अभूतपूर्व विजय उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को मिली है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति अगाध विश्वास और अटल श्रद्धा की यह विजय है। ये विजय भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए, उस विकास की विजय है। ये विजय समाज के हर वर्ग के जो कल्याण के काम किए हैं, गरीब कल्याण, किसान कल्याण, भांजे भांजियों के कल्याण के काम और माता बहनों के सशक्तिकरण का जो अभियान चला, जिसकी एक कड़ी थी लाडली बहना योजना, ये उन कामों की जीत है। ये अटल विश्वास है मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता का भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया, ये उन कार्यकर्ताओं की विजय है। ये विजय गरीबों की विजय है, किसानों की विजय है, नौजवानों की विजय है, माताओं बहनों की विजय है, भांजे भांजियों की विजय है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने चमत्कार किया है। मैं प्रधानमंत्री जी को भी प्रणाम करता हूं। हमारे अचूक रणनीतिकार श्रीमान अमित शाह जी के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। उनकी रणनीति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे चुनाव के प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव जी का परिश्रम और योजना, और परिवार के मुखिया की तरह आदरणीय शिव प्रकाश जी का प्यार और मार्गदर्शन, अश्विनी वैष्णव जी का स्नेहपूर्ण समर्थन, और इसके साथ साथ हमारा प्रदेश का नेतृत्व, हमारे सारे नेता, हम सब मिलकर चुनाव लड़े। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, हमारे संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे रहे। अगर सच्चे मन से जनता की सेवा करो तो सेवा असर करती है। पूरा मध्य प्रदेश जो हमारा परिवार है, उसके भाई और बहनों ने अपना परिवार समझ के, अपना समझ के, क्योंकि नेता और जनता नहीं, पूरा प्रदेश परिवार हो गया, उन्होंने अद्भुत प्यार दिया है। मैं आभारी हूं मेरी देवी तुल्य बहनों का। हम जहां जाते थे उनका प्यार उमड़ता था, वो स्नेह से आशीर्वाद देती थी, और न केवल आशीर्वाद देती थी, भावुक हो जाती थी और कहती थी, भैया अपन ही जीतेंगे, मेरी बहनों अपन जीत गए। भांजे भांजियों का ऐसा प्रेम मिलता था, मामा मामा कह के पुकारते थे तो रोम रोम पुलकित हो जाता था। ये उन भांजे और भांजियों के प्रेम की विजय है। मैं प्रदेश के, समाज के सभी वर्गों के भाई और बहनों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। कई बार मुझे लगता भी कि धन्यवाद किसको दूं, क्योंकि सब तो अपने हैं, लेकिन फिर भी धन्यवाद।
उन्होंने विश्वास बना के रखा भारतीय जनता पार्टी पर हमारा संकल्प है कि जान भले ही चली जाए, इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। जो प्रदेश के विकास का रोड मैप हमने बनाया है, हम उस पर चलकर प्रदेश को विकसित भी करेंगे, समृद्ध भी बनाएंगे, और जो जो वचन दिए हैं वो सारे संकल्प पत्र में हमने जो संकल्प व्यक्त किए हैं, एक एक संकल्प पूरा होगा, क्योंकि ये गारंटी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की गारंटी है, हम उसको हर हालत में पूरा करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, किन शब्दों में मैं आभार प्रकट करूं, मैं तो विनम्रता पूर्वक सभी को प्रणाम करता हूं इस संकल्प के साथ कि जिएंगे तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी आपके लिए।